वैसे सर टाप किसे कर रहे हैं, कौन है? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। क्यों ऋतिक और अजय की जोड़ी पे सवाल? क्या ऋतिक के अपोजिट होंगी सबा? क्या है इस बार दिल जले का थीम? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त ओशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। दोस्तों, अजय देवगन भी इस समय इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा बज में रहने वाले एक्टर्स की लिस्ट में चल रहे हैं। जी हाँ, यानी कि ये तो हमें पता ही है कि अजय की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रनवे 34 ने काफी सक्सेस कमाई और अजय की भी काफी तारीफ की गई। इन्हीं के साथ फिल्म में दिखे अमिताभ बच्चन और रकुलप्रीत सिंह भी। जी हाँ, यानी कि अब अजय तैयारी कर रहे हैं अपनी अगली फिल्म सिंघम 3 की, जिसकी रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस होने वाली है और शूटिंग खत्म ही हो चुकी है। जिसके बाद भी इनके पास काफी फिल्में हैं, जिसमें से कि इनकी सुपरहिट फिल्म दिलवाले का भी सीक्वल है कतार में, और फिर सोनाली बेंद्रे के अपोजिट दिल जले का सीक्वल। फिल्म दिल जले 2 के बारे में जब से अनाउंसमेंट हुई तभी से कोई ना कोई नई खबर सामने आ ही रही है, और अब इस बार फिल्म की कास्ट को लेकर नई खबर आई है सामने। जैसे कि हमें ये पता ही है कि फिल्म में अजय और ऋतिक हमें साथ देखने वाले हैं, तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि फिल्म में ऋतिक की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड सबा दिख सकती हैं उनके अपोजिट। हाँ, यानी कि रियल लाइफ जोड़ी का रोमांस अब हमें रियल लाइफ सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। फिल्म में ऋतिक और अजय की जोड़ी मचा रही है धमाल, ये तो हमें पता भी है, लेकिन कुछ ट्रॉयल्स अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हुए दोनों ही एक्टर्स को एक ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाल रहे हैं। जी हाँ, यानी कि इंटरनेट पे इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स एक्शन के एक बड़े चेहरे हैं और इसी वजह से दोनों के बीच ऑकवर्डनेस आना एक लाजमी सी बात। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि अजय इस बार अपना जेनर चेंज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिल्म के थीम को चेंज करने की नौबत आ गई है। अब देखना यह है कि एक्शन को अगर हटा दें तो कौन सा थीम सूट करेगा फिल्म के ऊपर, ये तो देखने वाली बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि थीम काफी यूनिक होने वाला है इस बार? ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।